नमस्कार, मैं पेंट वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल भेद पेंट वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2022 टीयर 2 का आज 2 मार्च को एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम आपका ओवर हो चुका है। तो ओवरऑल जितने भी सेक्शन है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, उसमें क्या क्या डिफरेंट चीज़ें पूछी गई हैं, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनका कल, परसों या आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो वो यहाँ से सीख सकते हैं और उन चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप जैसे मैथ्स में हैं तो मैथ्स में जिन सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। ऐसे कंप्यूटर में जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं उन पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जितने भी सेक्शन हैं उन सबका एक वीडियो में ही हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ओवरऑल मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। आज का जो पेपर है उसका मैं बता रहा हूँ, इजी पेपर आया है। और इसमें जो मतलब चेंजेस हुए हैं, जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपका आया है, तो अगर प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ा बहुत फंसा रही है तो प्रोबेबिलिटी का एक बार आप रिवीजन कर लो, ये आपके काम आएगा। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था। स्टेटिस्टिक्स से आपका जो था वो मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी, नॉर्मली क्वेश्चन था, ठीक है। अर्थमेटिक से, अर्थमेटिक तो जाहिर सी बात है इससे क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक है। उसके अलावा एडवांस पोर्शन से भी क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको भी एक बार रिवाइज कर लो, उससे भी क्वेश्चन में भी आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैथ्स में ओवरऑल इस तरीके के चेंजेस रहा, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी ओवरऑल इजी आया, ठीक है। यहाँ पे 2 से 3 जो क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट और अजम्पशंस के थे। उसके अलावा नॉन वर्बल जो रीजनिंग है वो आपकी अच्छे लेवल की पूछी गई, ठीक है। उसके अलावा जो वर्बल रीजनिंग है उस वो काफ़ी इजी पूछी गई। तो रीजनिंग में ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है और सिलॉगिज्म वाले क्वेश्चन है उनको आप एक बार अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 5 जो थे वो PQRS आपके पूछे गए, जो कि जिनका लेवल काफ़ी अच्छा था। तो PQRS की एक बार आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर कर लो, ठीक है। उसके अलावा क्लोज टेस्ट था, ठीक है। उसके अलावा पैसेज था आपका, ठीक है, पैसेज भी पूछा गया, ठीक है। उसके अलावा आपका ग्रामर और वोकैब इजी था, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब पूरा पेपर अगर ओवरऑल इंग्लिश की बात की जाए तो ठीक ठाक पेपर था, ठीक है। क्लोज टेस्ट जहाँ पे आप फंस सकते हो उसको क्लोज टेस्ट भी फंसाने वाला था। उसके अलावा PQRS जो थे वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए, तो PQRS पे आपको अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में क्या करना आपको, आप अपना ग्रामर का रिवीजन करो, वोकैब जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करो। बाकी जो ग्रामर में ही आपका जो फंसाने वाली चीज़ें हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको रिवाइज कर लो, एक्टिव पैसिव इनको रिवाइज कर लो, और PQRS की ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें GK की तो ये इसका लेवल काफ़ी अच्छा था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक की करंट अफेयर्स जो है वो देखने को मिली। तो आपको करंट अफेयर्स जो है वो जनवरी 2021 से मतलब 2021 की कवर कर लो आप, और 2022 की भी कवर कर लो, ठीक है, इतना आपको करना है। उसके अलावा एक इंडेक्स से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्पोर्ट से क्वेश्चन था, एक आर्टिकल से क्वेश्चन था, एक रिफॉर्म से क्वेश्चन था, एक आपका बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन था, ठीक है। डांस वगैरह नहीं पूछे गए, तो मे भी हो सकता है डांस वगैरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके अगली शिफ्ट में आपको देखने को मिले। उसके अलावा मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके वो पूरा आपका थंबनेल रहेगा, तो उसमें सारे के सारे जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो मैं कराने का आपको प्रयास करूंगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वो वीडियो बहुत जल्द आपका अपलोड होगा। उसके अलावा कंप्यूटर से अगर बात की जाए तो वायरस एंड ट्रोजन से क्वेश्चन था, शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन था, ठीक है। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए और कंप्यूटर ने सभी को परेशान किया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका पेपर था 2 मार्च का, और इसमें क्या क्या आपको, आपके लिए क्या क्या चीज़ें सीखने वाली हैं वो मैं एक बार आपको फिर से रिकैप कर देता हूँ। जैसे मैथ्स की अगर बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी और जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन है इसको आप अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर रीजनिंग की बात करें तो स्टेटमेंट, सिलॉगिज्म और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है इसको आप अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि इसका लेवल
अच्छा आ रहा है। इंग्लिश की अगर बात करें तो PQRS पे ध्यान देने की आपको जरूरत है, उसके अलावा क्लोज टेस्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और वोकैब और ग्रामर, इसको आप रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से। जीके जीएस की बात की जाए तो यहाँ पे सीखने वाली बात आपके लिए क्या है कि आप करंट अफेयर्स 2021 से 2022 तक का और 23 तक का रिवाइज कर लो। इंडेक्स, स्पोर्ट, आर्टिकल, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको भी आप अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। और कंप्यूटर में क्या करना है, आपको PDF वगैरह आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी तो उनको आप अच्छे तरीके से उनका बस बार बार रिवीजन करो, ठीक है। तो ये है ओवरऑल पेपर का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।